22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी जा रही है। इसके लिए पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और अपने आप को इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनाने में जुटा है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में विंकर आघाड़ी की ओर से एक धागा रामा साटी इस पहल के साथ रामलला के लिए शॉल बनाई जा रही है, जिसमें सभी शहरवासी अपना योगदान दे रहे हैं। भगवान राम 500 साल बाद विराजमान हो रहे हैं और यह राम भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हर कोई चाहता है कि इस क्षण में अपना कोई योगदान हो। इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए भाजपा विंकर आघाड़ी द्वारा एक थाका राम के नाम यह पहल की जा रही है। इस कपड़े के जरिए श्री राम के लिए दो शॉल बुने जा रहे हैं। 19 जनवरी से कुल 14 मीटर लंबाई के दो शॉल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक शॉल अयोध्या में रामलला को भेजी जाएंगी और दूसरी शॉल नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर में श्री राम को अर्पित की जाएंगी। कन कन में राम, मन मन में राम, ये वाक्य नागपुर शहर में चरितार्थ हो रहा है। अयोध्या में श्री राम को राम मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। सभी रामलला के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में शहर के गोलीबार चौक पर रामलला के लिए दो शॉल निर्मित की जा रही है, जिससे में एक अयोध्या के लिए अर्पण की जा रही है और दूसरी शहर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के लिए। चलिए जानते हैं इन सबसे कि ये कैसा हो रहा है। जय श्री राम। मैं युवराज निपाने, भारतीय जनता पार्टी बुनकर आघाड़ी का महामंत्री हूँ नागपुर शहर का। ये एक एक धागा श्री राम के लिए, ये बुनने का जो संकल्प हमने जो बुनकर आघाड़ी की ओर से लिया है, अब के बार अनेक आघाड़ियाँ, अनेक संगठन ये राम जी के, प्रभु श्री राम के लिए काफ़ी अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं और फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल में ऐसा आया कि अपन ने भी कुछ तो भी करना चाहिए। अब हम जाति से हलवा और बुनकर होने के वजह से हम ने ये सोचा कि भगवान श्री राम के लिए वस्त्र बुनना चाहिए। 14 मीटर जो वस्त्र कपड़ा जो बुनना बुनकर आएगा, तो वो 14 मीटर कापड़ जो है ये अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए हम भेजेंगे। और दूसरा जो 14 मीटर जो कपड़ा वस्त्र जो होगा, ये पोद्दारेश्वर राम मंदिर नागपुर शहर में पहुँचाया जाएगा। जय श्री राम। मैं पुरुषोत्तम सेलूगर हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो कास्ट है, कम्युनिटी, वो हलवा समाज है और हलवा समाज का ये परंपरागत व्यवसाय है। ये परंपरागत व्यवसाय होने की वजह से हमारी जो आस्था है वो प्रभु श्री राम पर ज़्यादा है। प्रभु श्री राम के नाम से हमारे समाज के सभी नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं और भक्ति के साथ में एक एक धागा बुनते जा रहे हैं। हम प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे समाज को उद्दीगन करे और यही प्रार्थना करके ये जो यहाँ पे बुना जा रहा है वो कपड़ा हम प्रभु श्री राम जी को भक्ति रूप से अर्पण करना चाहते हैं। ये कपड़ा एक 14 मीटर इसमें और 14 मीटर इसमें, 14 मीटर अयोध्या में जाएगा और 14 मीटर यहाँ पे जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, पोद्दारेश्वर राम मंदिर, उनके लिए भी वहाँ पे अर्पित किया जाएगा भक्ति भाव से। मेरा नाम नरेंद्र रामकृष्ण विवापुरकर है। हम ये जो उपक्रम है, एक्चुअली हमारे समाज का ये पारंपरिक व्यवसाय है, इसी के माध्यम से हम जागृति करना चाहते हैं क्योंकि ये व्यवसाय अभी डूब रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारा ये व्यवसाय फिर से मतलब उत्पन्न करे, फिर से इसको मतलब भरभराटी दे, ताकि हमारे जो समाज के बहुत सारे बेरोजगार, चलो लड़कों का तो ठीक है, लेकिन लड़कियां कैसे आज की तारीख में घर से बाहर नहीं जा सकती, बरोबर है, और उनको कैसा ऐसा व्यवसाय चाहिए जो उनका मतलब रोजी, उनकी कुछ कमाई भी हो और उनका घर का काम भी हो। इस तरीके से ये व्यवसाय बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये व्यवसाय को मतलब मतलब इसका प्रदर्शन भी करने के उद्देश्य से हमने यहाँ पे ये मांगठे लगाए हैं। और इसमें हमको पूरे समाज का, केवल हमारे ही समाज का नहीं, सभी जाति के, सभी धर्म के, इवन मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आके उन्होंने भी प्रभु श्री राम के लिए अपने दो धागे बुने हैं।
22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे तो देश भर में राम प्रेमी भक्तों के बीच दिवाली जैसा भक्तिमय उत्साह मनाया जाएगा। राम के आगमन के साथ ही देश भर में जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। इसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी विनकर आघाड़ी द्वारा नागपुर के गोलीबार चौक क्षेत्र में एक धागा राम का परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरह लोग रामलला के लिए अपनी श्रद्धा न्योछार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं भाग्यश्री, NBC News।